मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। वही चंद्रशेखर आजाद जिनका नाम तो चर्चाओं में बना हुआ है क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में नगीना से बहुमत से जीत दर्ज किए थे, लेकिन अब उनका नाम ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि बतौर सांसद वो सदन में शपथ ले चुके हैं और सदन में शपथ लेने के बाद उनके तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। छुआछूत के मुद्दे को उठाते नजर आए, यूजीसी नेट के पेपर लीक के मामले को उठाते नजर आए, विपक्ष पर कहीं ना कहीं बरसते नजर आए, वहीं सत्तारूढ़ दल बीजेपी की रणनीतियों पर भी बरसते नजर आए और सबसे अहम बात हाथरस के मुद्दे पर बरसते नजर आए। हाथरस के मुद्दे पर अभी तक तमाम विपक्षी नेता जो है वो लगातार एनडीए पर, भारतीय जनता पार्टी पर, योगी आदित्यनाथ की रणनीतियों पर, सुरक्षा दलों पर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं और इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद का भी नाम अब शामिल हो चुका है। आपको बता दें आजाद लगातार चर्चाओं में इसीलिए भी बने हुए हैं क्योंकि आजाद अब सबसे पॉपुलर नेता कहीं ना कहीं बनते जा रहे हैं। जी हाँ, ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, आपको बता दें कि प्रचलित नेताओं की लिस्ट में आजाद का नाम धीरे धीरे शामिल हो रहा है। कारण ये भी बन रहा है क्योंकि आजाद के यूट्यूब पेज पर, उनके तमाम वीडियोज पर, जिस तरह से लगातार उनके वीडियोज पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जनता के जो व्यूज सामने आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी की भी वीडियो से ज्यादा है। जी हाँ, आपको बता दें हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार चंद्रशेखर आजाद की एक वीडियो पे 8.5 लाख से ज्यादा जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, व्यूअरशिप आई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो पीएम मोदी की तमाम वीडियोस पर आजकल 68,000-70,000 करीब जो व्यूज हैं वो आने और देखने को कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। यानी जनता के दिल में अब कहीं ना कहीं आजाद का जो राज है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी के चलते अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में कयास लगाया जा रहा है कि मायावती जो है वो आजाद की ओर अपना रुख कहीं ना कहीं बदलती नजर आ सकती है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का उनका जो एक तरह से हाल ही के समय में हम जो देख रहे हैं कि जिस हिसाब से वो लगातार प्रचलित होते नजर आ रहे हैं, जनता के दिल में अपनी जगह बनाते नजर आ रहे हैं, मायावती आने वाले समय में इसका फायदा उठाती जरूर नजर आ सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में मायावती को करारी हार का सामना करना पड़ा है और इसके बाद ही आकाश आनंद की वापसी मायावती ने अपनी पार्टी में कराई, नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद उन्हें सौंप दिया। अब क्या आजाद की और मायावती अपना रूप बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं देखने को मिलता है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे नेता है जो किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करना चाहते लेकिन मायावती को हमेशा बहन जी कहकर बुलाते हैं और बहन जी के साथ, बहन जी की ओर क्या आजाद का रुख पलटता बदलता नजर आएगा क्योंकि एनडीए की ओर जाएंगे नहीं, इंडिया ब्लॉक की ओर जाने से मना कर दिया है। तो मायावती वो आखिरी राह कहीं ना कहीं आजाद के लिए बचती है जिनके साथ गठबंधन करते चंद्रशेखर आजाद नजर आ सकते हैं। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।